तो हेलो गाइज वेलकम टू बायोलॉजी विथ मेडिको तो आज अपन देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इतना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अच्छे से देखेंगे ठीक है तो इसमें जो किंगडम मोनेरा है उसको अच्छे से देखना है और इस पार्ट वन में और पार्ट टू में अपन आ, बाकी का पार्ट जो है वो पढ़ेंगे ठीक है तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे एरिस्टोटल ठीक है तो एरिस्टॉटल ने क्या किया था अर्लीस्ट अटैम्प्ट किया था मोर साइंटिफिक बेसिस के ऊपर बहुत मतलब मोर साइंटिफिक बेसिस पे अर्लीस्ट अटैम्प्ट किया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ करके ऑर्गेनिज्म को क्लासीफा क्लासीफाई किया है एनिमल्स को क्लासीफाई किया आर के बेसिस पर आर बी प्रेजेंट थे तो इनेमा और आर बी सी थे तो एनेमा तो ए फॉर एबसेंट इसलिए एनेमा में आर बी होंगे आप याद रख सकते हैं देन प्लांट्स हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज में प्लांट्स को डिवाइड किया था क्लासीफाई किया था ठीक है तो ये था फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देन आए कैरोलस लिनियस तो इन्होंने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हमें दिया तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया ये टू किंगडम सिस्टम में आ जाएगा ठीक है बट डिड नॉट डिस्टिंगज बिटनिम कुछ तो ड्रॉबैक्स रहे गए इसके डिस्टिंगज नहीं कर पाए मतलब प्रो कैरियर्ट्स और योग यू कैरियर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए सेम ग्रुप uh, में उनको रख दिया फिर यूनीसेलर और मल्टी सेलेलर को भी एक ही ग्रुप में रख दिया फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन एल्गी थी और नॉन फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक थे उनको भी एक ही ग्रुप में रख दिया मतलब उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए हेंस टू किंगडम सिस्टम यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम वॉज़ फाउंड इनएडिकुएट मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से जो यूज करा जा रहा था टू किंगडम सिस्टम वो जो था वो इनएडिकुएट लगने लगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नीड वॉज फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर्स तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को छोड़ के अदर कैरेक्टर्स यूज़ करने की ज़रूरत महसूस हुई तो इसमें साथ सेल स्ट्रक्चर नेचर ऑफ वॉल मतलब सेल वॉल का नेचर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैबिटेट था मेथड से रिप्रोडक्शन के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा तो ये सारे कैरेक्टर्स को यूज़ करके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ करके जो कैरेक्टराइजेशन करना था उसकी नीड फेल्ट हुई मतलब उसकी ज़रूरत पड़ने लगी तो उसके बाद में आया थ्री किंगडम सिस्टम जो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था फोर किंगडम आया जो कोपलैंड ने दिया था फाइव किंगडम जो आर एच विटाकर ने दिया था और सिक्स किंगडम जो कार्ल वोज ने दिया था तो फाइव किंगडम को इस चैप्टर में देखना है अपन को ठीक है तो सिक्स किंगडम क्या है वो देख लेते हैं पहले तो वॉट इज सिक्स किंगडम तो सिक्स किंगडम क्या था जो फाइव किंगडम में जो किंगडम मोनेरा था वो स्प्लिट हो गया था दो दो किंगडम में और जो फोर किंगडम थे मतलब दो डोमेन में वो स्प्लिट हो गया था और जो चार बचे हुए किंगडम थे वो अदर डोमेन में थे तो चार किंगडम और वो किंगडम मोनेरा के दो डोमेन वो मिलकर क्या हो गए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया तो कार्लो वूज ने वो दिया था ठीक है तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को देखते हैं जो आर एच विटैकर ने दिया था नाइनटीन में वहाँ पे किंगडम कौन से कौन से थे फाइव किंगडम्स किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंगाई किंगडम एनिमेलिया सॉरी किंगडम फंगाई के बाद में किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया सो मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन किस क्राइटेरिया के बेसिस पर कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासीफाई किया था सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर रिप्रोडक्शन के बेसिस पर और जो फाइलेजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप थी उसके बेसिस पर क्लासीफाई किया था आर एच विटाकर ने सो अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आर एच विटाकर फाइव विटा किंगडम सिस्टम के पहले जो अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम थी वहाँ पर क्या इंक्लूड था बैक्टीरिया उसमें क्या हुआ था बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी देन फंगाई मॉसेस फंस जिम्नोस्पर्म्स उनको प्लांट्स में इंक्लूड किया था सेम किंगडम के अंदर ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल तो आ, कौन से कैरेक्टर के लिए आखिर इसमें सेल वॉल प्रेजेंट था ठीक तो, है इस कैरेक्टर को आ, इस कैरेक्टर के बेसिस पर इनको एक ही किंगडम में रख दिया प्लांट्स के अंदर दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर्स इस वजह से क्या हो गया ऐसे भी ग्रुप्स एक साथ आ गए जो मतलब उनमें सिलवॉल तो प्रेजेंट था लेकिन अदर कैरेक्टर्स में वो डिफ़र कर रहे थे ठीक है उनको एक साथ ल, द, 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 मतलब रख दिया उन्होंने इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट मोनेरा प्रोटेस्ट ऑफ फंगाई तो इस चैप्टर में अपन को क्या देखना है मोनेरा प्रोटेस्ट और फंगाई के बारे में पढ़ना है ठीक है पहले देखते किंगडम मोनेरा इस पार्ट वन में अपन किंगडम मोनेरा को ही डिस्कस करेंगे बाद में बाकी के किंगडम को

हार्श हैबिटाइट्स होंगे वहाँ पे रहेंगे तो बेस्ड ऑन शेप शेप के बेसिस पर वो क्लासिफाई करे जाते हैं स्पेरिकल होगा शेप तो उसको बोलेंगे कोकस और बहुत ज़्यादा कोकस होंगे तो कोकाय रॉड शेप होगा तो बैसिलस बोलेंगे और बहुत ज़्यादा बैसिलस होंगे तो बैसिलाई बोलेंगे कॉमा शेप विब्रियम होगा और बहुत ज़्यादा विब्रियम प्रजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे विब्रियो स्पायरल होगा स्पायरिलम बहुत ज़्यादा होंगे तो स्पायरिला ठीक है मल्टीपल होंगे तो तो बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक उनका न्यूट्रिशन कैसा होगा ऑटोट्रॉपिक भी होगा हेटरोट्रॉपिक भी होगा सिमिलर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर उनका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होगा लेकिन उनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा और एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी शो करेंगे ठीक है उनकी डायवर्सिटी बहुत ही एक्सटेंसिव होगी मतलब बहुत बड़ी होगी नेक्स्ट है वो जो स्पेरिकल था वो था कोकस रॉड शेप था बैसिलस स्परल था स्पायरलम विब्रियो जो था वो कॉमा शेप था ठीक है और मल्टीपल जो बैसिलस है उसको जो मल्टीपल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो बेसिलाई बोलेंगे रॉड शेप क्या है सॉरी स्पेरिकल जो, जो कोकस था कोकाय बोलेंगे रॉड शेप बैसिलस था बेसिलाई बोलेंगे स्पायरल क्या था स्पायरुलम और ज्यादा होंगे तो स्पायरिला स्पायरुलम और ज़्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे उसको स्पायरुला ठीक है देन विब्रियो ज़्यादा होंगे तो और सिंगल होगा तो विब्रियम ठीक है तो ये उनका स्ट्रक्चर देख लीजिए बाद में आर्की बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा जो है वो दो बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं तो फर्स्ट है आर्की बैक्टीरिया उनको देखते हैं लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट वो हार्श हैबिटेट में रहेंगे जो आर बैक्टीरिया होंगे वो हार्श हैबिटेट में रहेंगे जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्ट एरियाज इनको हेलोफिल्स फिल्स बोलते एक्सट्रीम सॉल्ट एरियाज में रहते हैं उनको हॉट स्प्रिंग में जो रहेंगे बैक्टीरिया उनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफिल्स फिल्स मार्शी एरिया में जो बैक्टीरिया रहेंगे उनको बोलेंगे मिथेनोजेंस और मिथेनोजें से होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिथेन मतलब बायोगैस के प्रोडक्शन में वो प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं कहाँ से करेंगे फ्रॉम डंग ऑफ काउज और बर्फिलोस काउज और बर्फिलोस के डंग से करेंगे ठीक है तो गट ऑफ काउज और बफिलोस काउज और बर्फिलोस के गट में प्रेजेंट होंगे डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग द डिफरेंट सेलव्वॉल स्ट्रक्चर तो वो अदर बैक्टीरिया से डिफर करेंगे अलग होंगे क्यों अलग होंगे क्योंकि तो उनमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन और यही वो फीचर एज मतलब मतलब वॉल का डिफरेंट होना इसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं ठीक है नेक्स्ट है सेकेंड टाइप यू बैक्टीरिया ठीक है उसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक होंगे और हेड्रोट्रॉपिक दोनों होंगे ठीक है हेड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होंगे वो मोस्ट अबंडेंट होंगे बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे नेचर के अंदर इट इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स तो साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं और माइको प्लाज्मा ठीक है साइनोबैक्टीरिया जो होंगे वो ब्लू ग्रीन एल्गी बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक होंगे फोटोसिंथेटिक तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होंगे साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं एल्गी बोलते हैं फिर भी वो बैक्टीरिया है एल्गी नहीं है ठीक है ऑल्सो कॉल्ड मेगजोफाइसी इनको मेग्जोफाइसी भी बोलते हैं दे आर ग्राम नेगेटिव ग्राम नेगेटिव होंगे ठीक है और एनएरोबिक होंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक शो करेंगे ठीक है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करेंगे इसकी वजह से ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन एटमोसफियर आफ्टर केमिकल इवोल्यूशन तो केमिकल इवोल्यूशन के बाद में फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था ठीक है प्रोवाइडेड एरोबिक कंडीशंस ड्यू टू विच एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व और एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड की जिसकी वजह से एरोबिक ऑर्गेनिजम जो है इवॉल्व हो सके हैं ठीक है थीके? तो यह है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं ठीक है ठीके? ये नॉस्टॉक है नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो है वो हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है ठीक है हेट्रोसिस्ट देन शीथ ये जो कवरिंग है इसको ठीक है इसके ऊपर जो कवर्ड है शीथ उसको बोलते हैं म्यूसिलाजिनस शीथ ठीक है तो ये साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक नेक्स्ट है हैबिटेट हैबिटेट ऑफ साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक होंगे फ्रेश वाटर भी होंगे और मैर वाटर भी होंगे टेरेस्ट्रियल होंगे एक्वाटिक भी होंगे मल्टी सेलुलर सॉरी यूनिसेलुलर होंगे फिलामेंटस होंगे और कॉलोनियल होंगे ठीक है यूनि सेलूलर होंगे फिलामेंटस होंगे और कॉलोनियल होंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो यूनीलुलर नहीं है ठीक है यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट है ठीक है देन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे ठीक है मैंने बोला था फोटो होंगे और ऑटोट्रॉपिक होंगे तो फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा जो ग्रीन प्लांट में भी प्रेजेंट होगा जो ग्रीन कलर का होगा ठीक है ग्रीन प्लांट में भी क्लोरोफिली प्रेजेंट होता है देन कैरोटेनाइड्स प्रेजेंट होंगे तो कैरोटेनॉड्स फर्स्ट कैरोटीन और जेंथोफिलिन को दोनों को क्या बोलते हैं कैरोटिनॉइड्स बोलते हैं देन फाइकोसायनिन प्रेजेंट होगा जो ब्लू होता है और फाइको एरीथरीन प्रेजेंट होगा जो रेड होता है नेक्स्ट रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा इकानेट्स के थ्रू होगा हॉर्मोगोनिया के थ्रू होगा और हेड्रोसिस्ट के थ्रू होगा तो हेड्रोसिस्ट देखेंगे तो इसको बोलते हैं हेट्रोसिस ठीक है ये हेट्रोसिस्ट है ठीक है हेट्रोसिस के थ्रू होगा और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट जो होता है साइनो बैक्टेरिया का या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ठीक है तो हमने देखा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेंगे किसके थ्रू हेट्रोसिस्ट के थ्रू ठीक है तो ये हो गए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देन ग्रेडोक्यूज फिनमिना ये नया होगा एनसीआरटी में नहीं है फोटोक्रोमेटिक एडाप्टेशन भी बोलते हैं मतलब ग्रेडोक्यूज फेनोमिना मतलब क्या होता है कि चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट जैसे कि लाइट uh, की वेवलेंथ चेंज होगी वो अपना शेप चेंज uh, कर सकते हैं ठीक है देन उसका एग्जाम्पल अलग है और एक साइनोबैक्टेरिया uh, का एग्जाम्पल है ट्राइकोडेसमियम इथ्रियम ये क्या करता है रेड होता है जिसके अंदर फाइको एरीथ्रीन प्रेजेंट होता है ठीक है और रेड सी का फॉर्मेशन करता है ये बैक्टीरिया तो ट्राइकोडेसमियम इथ्रियम क्या करता है रेड होता है फाइको एरीथ्रीन प्रेजेंट होता है इसके अंदर इसके से रेड होता है और रेड सी का फॉर्मेशन करता है तो सी का अपेरेंस कर लेता है वो रेड कर लेता है ठीक है रेड सी का फॉर्मेशन करता है देन माइको प्लाज्मा होता है Then, PPLO, तो का ही दूसरा क्या होता है ठीक है सॉरी 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 यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में साइनो बैक्टीरिया और माइको प्लाज्मा ठीक है तो माइको प्लाज्मा ऑल्सो कॉल्ड पीपीएल प्लोरोमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं इनको कंप्लीटली सेल वॉल सेल वॉल एबसेंट होती है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन जो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब, अब तक हमको मालूम पड़े हैं जो नोन है उसमें ये सबसे स्मॉलेस्ट है कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते मेनी ऑफ आर पैथोजेनिक एंड एनिमल्स पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर बहुत से जो माइक्रोप्लाज्मा होंगे वो पैथोजेनिक होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज सो थैंक यू गाइज